नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चला है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें ये मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठोरिया नंबर 2 का है, जहां पर आज सुबह बदायूं निवासी 40 साल के मटरू लाल गौमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरे तो अचानक वो टैंक के अंदर ही बेहोश होकर गिर गए। ये देखकर मटरू की पत्नी रानी भी टैंक में चली गई और अपने पति को बाहर निकालने लगी, लेकिन टैंक के अंदर मौजूद गैस से दम घुटने के चलते दोनों की मौत हो गई। बता दें घटना की सूचना मिलने पर मुखानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हल्द्वानी में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें गौलन नदी के तेज बहाव में एक बच्चा बह गया। जानकारी के मुताबिक 11 साल का अमरजीत नदी के पास खेल रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया जिससे वो नदी में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की खोजबीन शुरू की। बता दें काफ़ी देर खोजबीन करने के बाद बच्चे का शव 6 किलोमीटर दूर आंवला चौकी क्षेत्र से बरामद हुआ। वहीं घटना की सूचना के बाद SDM पारितोष वर्मा भी मौके पर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हल्द्वानी में इस बार गणेश महोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने बताया इस बार 7 सितंबर को मूर्ति स्थापना के साथ ही गणेश महोत्सव की भव्य शुरुआत होगी। इसके अलावा 8 सितंबर को रक्तदान शिविर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हल्द्वानी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता बाइक के माध्यम से तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस बाइक रैली में देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत होकर स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में तिरंगा लहराने का भी संकल्प लिया गया। हल्द्वानी में आज मौसम दिन भर करवट बदलता रहा। बता दें पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे, वहीं दोपहर के समय हल्की बारिश की बूंदें भी गिरी, लेकिन इसके बाद धूप छांव का दौर चलता रहा। इसके अलावा बारिश के कारण जिले की 6 सड़कों पर आवाजाही ठप है। हल्द्वानी कालाढूंगी, रामनगर भंडारपानी, गार्जिया बेतालघाट, तेचोरी देगांव, कांडा डाना, परवा देवीपुरा, सौड़ फतेहपुर, पीपल अड़िया छड़ा, मल्यूटी मोटर मार्ग, कोटबाग देवीपुरा मोटर मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह बंद चल रहे हैं। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।